मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर नहीं दिखता है। मामला शिवपुरी जिले के सिरसौत क्षेत्र से है, जहां रेत माफियाओं ने रेत भरने के काम पर जाने की मनाही करने पर आदिवासी महिला के साथ मारपीट कर दी। दरअसल पूरा मामला शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिरसौत का है, जहाँ एक आदिवासी महिला के साथ बेरहमी से सरिये और लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई। महिला के दोनों हाथ पैर और फ्रैक्चर हो गए और महिला के सिर में भी 8 टाके आए हैं। महिला के पति का देहांत हो चुका है, महिला के बच्चे भी नहीं हैं, जिसके कारण महिला अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना जैसे तैसे गुजर बसर कर रही है। महिला की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो रेत का डंपर भरने से इनकार कर दी थी, क्योंकि महिला की फसल कटनी थी। जिसके बाद रात के समय घर में सोई अकेली महिला के साथ कुछ लोगों ने मिलकर इस महिला के साथ लाठी डंडों से बुरी तरह मारपीट कर दी। तेज बोलना थोड़ा है, क्या नाम है आपका? गब्बर सिंह लोधी। अच्छा, कहाँ से आए हैं, क्या मामला है पूरा? सिरसौत से आए हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया था। मारपीट की। अपना घर का काम कर रहे थे, पहले लीवर में जाते थे। उसके बाद में वो आए, उनने मना किया जाने को, तो घर में पेड़ के मारा। अच्छा, क्यों क्यों मारा, क्या वजह? लेबर के लिए आए हुए थे, वो अभी घर की खेती कर रही है, चैत फसल काट रही है। अभी कैम ही नहीं है, तो लेबर में कहाँ से जा सकते? लेबर में क्या काम था? बजरी का। अच्छा। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल का कहना है कि महिला के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें बात आई थी कि उनका कुछ विवाद था आपस का, उस पर मारपीट करी थी जाता उस समाज के कुछ लोगों के द्वारा, तो उस पर पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। महिला उपचार के लिए यहाँ कल शिवपुरी आई थी, तो फिर उसके परिजन में से मिले थे और प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, उनके आरोपियों की तलाश की गई। तो महिला का क्या? फिलहाल देखना होगा कि महिला के साथ मारपीट करने वाले दबंगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करती है या फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।